मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 29 जनवरी 2021, आज के दिन 10वीं कक्षा से संबंधित पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 के अंतर्गत पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हरियर काका, इस अध्याय का फिर से अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के लेखक हैं मितलेश्वर। यह एक लंबी कथा होने के कारण इस अध्याय को पृथक पृथक फिर से अध्ययन कर रहे हैं। इस कथा का विवरण करने से पहले पूर्व कथा संक्षिप्त में जानते हुए आगे का विवरण करेंगे। तो आपको पता है कि हरियर काका अब बातें करना छोड़ दिया है। कथावाचक कहता है कि इसकी कारण कुछ तो होगा। उससे पहले उसी बीच जो है ठाकुर बारी, जो भव्य देवस्थान है, मंदिर है, उसका विवरण होता है किस तरह वहाँ पर जो है लोग मन्नत मांगते हैं। उसके बाद हरियर काका के चार भाई हैं और चार भाइयों में चारों के शादी हो गए हैं और उसमें हरियर काका जो हैं उसके दो शादियां होते हुए भी उसे कोई औलाद नहीं है। तो इसी बीच उसकी उम्र जो है ढलती जा रही है और पूरा उसे देखने का जो जिम्मा है तीन भाइयों की पत्नियों पर है, अब वह देखना छोड़ दिए हैं। सूखा रूखा ही उसे खिलाते हैं तो इससे वह ऊब कर जो है उनसे झगड़ा कर चला जाता है। इसका फ़ायदा लेते हुए महंत जो है वह उससे ठाकुर बारी के नाम पर करने के लिए कहता है जायदाद। तो यह बात सुनकर जो है उनके भाइयों ने उसे वापस घर लाए तो अच्छे से आतिथ्य किया। और इसी बीच जो है यह गांव में जो है एक दो दल बन गए। एक दल का कहना था कि उसे ठाकुर बारी के नाम पर करना है जायदाद और दूसरा है किसान प्रगतिशील लोग जो हैं उनको भाइयों को ही करना है उनका जायदाद जो है। तो इसी बीच जो है महंत उसे अपहरण कर लेता है और जो रातों रात उसे अपहरण करने के बाद भाइयाँ जो तीन भाई हैं वह महंत पर शक करते हैं और ठाकुर बारी निकल जाते हैं। ठाकुर बारियों में जो है पहले तो पता नहीं चलता है, बाद में जो वह आवाज़ सुनकर जो है ठाकुर बारी का जो पाटक खोलने का प्रयास करते हैं तो उनके ऊपर जो है पत्थर रोड़े बरसने लगे तो वह गोलियां भी बरसने लगी। वहां से जो है बाकी लोग सब भाग जाते हैं और ये तीन भाई जो हैं एक दरोगा और पुलिस को बुला कर लाते हैं और जब घेर लेते हैं सुबह होने पर जो है एक बूढ़ा जो साधु है वह खोलता है। उससे बहस नहीं करते हुए जो है ठाकुर बारी का जो पूरा जो घर है या ठाकुर बारी है उसे देखते हैं, लेकिन एक ताला जो है बड़ा ताला था उसे जो खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर हरियर काका जो है बंदी रूप में मिल जाता है। और तब जो बंदी हरियर काका को मुक्त किया जाता है तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, हरियर काका को जो है वो ताला खोलने पर वहाँ पर हरियर काका को बांधे हुए मुंह पर पट्टी लगाए हुए मिलता है। जब खोलने के बाद वह साधु संत और महंत के बारे में नाना प्रकार के अपराध करता है। वह कहता है कि उन्होंने जबरन मुझसे अंगूठे के निशान ले लिए आदि ऐसे कहता है। तो देखेंगे अभी आगे क्या होता है। हरियर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरियर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैरों से दरवाज़ा पर धक्का लगाया था तो तभी तो यह जान सके थे। आगे देखेंगे,
काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरियर काका के ठाकुर बारी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूत का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारा, हत्यारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप से कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे की निशान ले लिए थे। यहाँ तक हो गया था। अब आगे देखेंगे, वह सब बताता है इस तरह। हरियर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द सब से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बारी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। तो उसे अभी उनके प्रति जो है, महंत के प्रति पहले आदर भाव थे, अभी उसे घृणा करने लगे हैं साधु संत के प्रति। अब हरियर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। देखिए, फिर से जो है अपहरण के बाद वह फिर से अपने भाइयों के साथ रहने लगा है। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर। देखिए, कोई फिर से उठान कर ले ना जाए, इसीलिए उसे संजोकर रखा गया था। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा यानी बहुत सारे लोग जितने भी हैं रिश्तेदार थे, सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे, हथियार भी लाए हुए थे। 2400 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। देखिए, इतना उसे सुरक्षा दिया गया था इस अपहरण के बाद। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते, उनके चारों भाई हो या रिश्तेदार हो। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। तो आधे लोग जागते तो आधे लोग पहरा देते रहते। इधर ठाकुर बारी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बारी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बारी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरियर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। और अब हरियर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। यानी उसे समझ में आ रहा था कि जो है हम समझते हैं वो ऐसा नहीं होता है। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाइयों का संबंध नहीं बल्कि उनके जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। देखिए, अभी उसे सब समझ में आ रहा है, महंत की भी बात, और यहाँ पर मुझे इतना क्यों सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि मेरी जो जायदाद है इसीलिए। समझ में आ गया था। तो आगे देखेंगे, महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है, यानी उसे फुसला कर जो है हरियर काका को वह जायदाद लिख लेने वाला था, क्योंकि उसे अभी समझ में आया है कि ये अपना पालन पोषण करता है, पेट भरता है। इसे उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं, निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल यानी युक्ति बुद्धि, किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। तो उसे यह सब जो बातें हैं वह अभी हरियर काका को समझ में आ रहा है।
अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। देखिए यहाँ पर अंधविश्वास और जो ठाकुर बारी के नाम पर देवस्थान पर जो साधु संत हैं और महंत हैं वह पल रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है, ऐसे सब उसे समझ में आ जाता है। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, फटकने यानी जो है भटकने भी नहीं देंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपने जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्की हो जाएंगे, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। देखिए वो कहते हैं कि अभी यदि हम मैं भाइयों को भी लिख कर दे दूँगा तो मैं दूध की मक्खी बन जाऊँगा, जो दूध में पड़ती है तो उसे निकाल कर फेंक देते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसका जो महत्व है वह नहीं रह जाएगा, इसीलिए कहते हैं। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। देखिए वह अभी केवल जो है महंत के प्रति वह घृणित हो गया था, लेकिन माहौल कुछ वातावरण कुछ अलग ही था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझ जाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दे, वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। तो सभी जो सगे संबंधी या रिश्तेदार आए थे, हरिहर काका के भाई हो या रिश्तेदार हो, यही कह रहे हैं कि फिर से महंत फिर से आपको अपहरण ना करे, इसीलिए आप क्या करो जो है रिश्ते नाते में जो है भतीजों के नाम पर जो है अपनी जायदाद कर दो, ताकि आप फिर से ऐसा हो ना सके, इसीलिए ऐसे समझा रहे हैं। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा घर में यही चर्चा होने लगी, लेकिन हरिहर काका साहब नकारते हुए कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इसी परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ़ मुकदमा हमने किया ही है। जबरन उसने अंगूठा लिया था उस पर हम मुकदमा चला रहे हैं, यानी वह झूठे हैं ऐसे साबित करने के लिए हमें मुकदमा तो चला रहे हैं, ऐसे कहते हैं। आगे देखेंगे, भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देने शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए, स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया। देखिए अभी समझाते समझाते उन्हें भी बस हो गया, वह भी ऊब गए, अभी जो है उन्होंने एक रूप का धारण कर लिया है उनके जो सगे भाई हैं, जो रूप महंत और उनके सहयोगी ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, महंत जो किया था वैसे ही यह उनके भाई भी कर रहे थे, इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा था। उनके वही अपने सगे भाई जो उनके सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, यानी उन्हें अभिन्न यानी जिसका भिन्न नहीं हो सकता, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, इसी बीच उनके सामने जो है खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यही घर के अंदर गाड़ देंगे, गाँव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी भाई जो है
देखेंगे आगे क्या होता है। अगर पहले वाली बात होती तो हरियर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण यानी उसे भी अपना लेगा के लिए तैयार हो जाता है। हरियर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार देंगे, वह ठीक होगा। लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। यहाँ पर एक जो है किरदार आता है रमेश्वर की विधवा जो है, वह किस तरह उसकी भी जायदाद थी उसे यहाँ पर अभी कथा बताएंगे। रमेश्वर की विधवा को बहला पुसला कर उसके हिस्से की ज़मीन रमेश्वर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अकरने यानी बुरा बुरा बर्ताव करने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते यानी घबरा जाते, हिल जाते। हरियर का काका को लगता है कि अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पकड़ते होते। तो एक तो हरियर काका को जो है वह समझाने पर भी भाई अभी उनसे ऊब गए हैं और वह अभी हथियार और लाठी पकड़कर उसे जबरन पूछ रहे हैं कि हमारे नाम जो है जायदाद कर लो। लेकिन वह खुश था कि अभी वह मृत्यु से डरता नहीं था। एक बार मर गया तो अपने आप जायदाद तो होगी, नहीं तो मैं जो है रमेश सर की तरह नहीं बनना चाहता हूँ। रमेश सर जो है वह मरने से पहले ही जो जायदाद दूसरों को लिख दिया था भाइयों को, उसे बाद में उसे बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि उसे कोई पूछने वाला नहीं था। उससे मैं बेटर है कि मर कर तो है एक ही बार मर जाऊंगा और ये जायदाद इनके नाम हो जाएगी। जो यदि वो कहता है कि रमेश सर की विधवा यदि वह ज़मीन नहीं लिखती थी तो आज वह उनके लोग जो हैं गांव में पांव पकड़ते थे यानी पकड़ते थे, ऐसे कहते हैं। देखेंगे आगे जो है भाइयों ने जो है गुस्सा उतना ही किया, उसे मार डालते हैं या वह जो डर कर सारा जायदाद अपने जो है वह भाइयों के नाम करता है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।